So before starting this video, I want to show you some magic. Here is my Jadoo. This is Jadoo. Yeah. Let's try to ban this. Ah! Yeah. समझ में आया क्या? What's up guys? Thanks for watching another episode. This is Piyush. तो आज की इस वीडियो में समझ में आया क्या वाली है थोड़ी, तो मैंने वो बताने की कोशिश करी, जैसे मतलब सरकाज़म वाला लौंडा हूँ मैं। क्या है इसकी औकात? आपकी औकात क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग M30 की। तो यहाँ पर सैमसंग की तरफ से दो फ़ोन लॉन्च करे गए हैं, M10 एंड M20। तो M30 यहाँ पर यार लॉन्च नहीं करा गया और उसकी वजह साफ साफ है कि वो कंपटीशन देने वाला है Redmi Note 7 को। तो यहाँ पर हम उसकी स्पेक्स की बात करेंगे और उसकी लॉन्च डेट की भी बात करेंगे कि कब वो लॉन्च हो सकता है। तो बने रहें इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो ऐसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है M30 का भी जो बिल्ट होगी वो प्लास्टिक की होगी और यहाँ पर थोड़ा ग्लोसी फिनिश दिया जाएगा इस बार। और यहाँ पर साथ ही साथ स्क्रीन की बात करते हैं, स्क्रीन थोड़ी बड़ी दी जाएगी, 6.38 इंच की स्क्रीन हो सकती है। तो अभी आपको M20 के अंदर दी गई TFT डिस्प्ले, तो इस बार आपको सडनली काफ़ी बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर आपको मिल सकती है TFT डिस्प्ले की जगह सुपर AMOLED डिस्प्ले और इसका स्क्रीन साइज है 6.38 इंच का और ये फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है। तो सैमसंग ने जैसे कि नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले की, मतलब मार्केटिंग टर्म चेंज कर दो तो न्यू टेक्नोलॉजी हो जाती है वो। स्टॉप इट। ओ सॉरी, ड्यू ड्रॉप नॉच भी कह सकते हैं उसे। तो अब बात करते हैं इस फोन की लॉन्च डेट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि Redmi Note 7 को कड़ी टक्कर देने वाला है, तो यही वजह है जो सैमसंग ने अभी तक इसे लॉन्च नहीं करा। और जैसे ही Redmi Note 7 इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्ट करा जा रहा है फैब के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ही ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। वैसे Redmi Note 7 काफ़ी एक अच्छी चॉइस होने वाली है लोगों के लिए। और यहाँ पर जो आपको फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल का हो सकता है। अब यार देखो, अभी तक हमें फ़ोन के अंदर मैक्सिमम M20 के अंदर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, वो सडनली आपको दुगना कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा M30 के अंदर। तो यार देखो मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर बैक कैमराज की बात करें तो आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल सकता है। अब ऐसा इस वजह से मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब सैमसंग की तरफ से Exynos 7904 लॉन्च करा गया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड में 3 कैमराज थे। और सैमसंग की तरफ से एक इंटरव्यू में यह भी बताया गया था कि M सीरीज के एक फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। तो M30 के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से कि एक प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा 13 मेगापिक्सल का, दूसरा होगा एक टेलीफोटो लेंस जो कि 2x ऑप्टिकल जूमिंग के साथ देखने के लिए मिलेगा, वो है 5 मेगापिक्सल का। और साथ ही साथ आपको एक और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने के लिए मिलेगा। तो यार देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर वही देखने के लिए मिलेगा Exynos 7904 जो कि M20 के अंदर दिया गया है। अब यार इस प्रोसेसर की बात करूँ तो इतना इंप्रेसिव नहीं है। तो देखो इसकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं होने वाली, लेकिन स्टिल काफ़ी लोग कह रहे हैं कि M Pro M2 को इसने बीट कर दिया स्पीड में। तो स्पीड जो है वो प्रोसेसर पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होती, वो स्टोरेज पर भी डिपेंड होती है, कौन सी स्टोरेज लगी हुई है, eMMC की है, UFS है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट में डालो, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा इस चीज़ के ऊपर। और साथ ही साथ काफ़ी लोग कह रहे हैं तो हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं कर रहा, तो हैंड्स ऑन रिव्यू करेंगे भाई, रुक जाओ थोड़ा टाइम लो। अब फरवरी के अंदर ही मैं हैंड्स ऑन रिव्यू देने वाला हूँ। और यहाँ पर एक बात और है, M30 के अंदर आपको 5000 mAh की ही बैटरी देखने के लिए मिलेगी और इसके अंदर भी आप फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, Type-C चार्जिंग पोर्ट विद USB 2.0। तो ये अच्छा है और इसकी प्राइस भी एक्सपेक्ट करी जा रही है 16 से 17 हज़ार रुपये। और यहाँ पर फ़ोन भी अच्छा है, उसके कैमराज भी अच्छे हैं, लेकिन स्टिल मुझे प्रोसेसर को लेकर डाउट है। तो जब तक मैं M20 को अच्छी तरीके से मतलब चला नहीं लेता ना, जब तक मैं कुछ उसके बारे में कह नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी रिव्यूअर्स उसे अच्छा बता रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे मार्क्स आए थे निकल कर जिसमें कि वो इतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो मैं इस प्रोसेसर के बारे में M20 को यूज़ करने के बाद ही बताऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को तो प्रेस कर ही लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस, वो करें डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद एचवीएन बॉक्स गाइस, बाय। भाषण नहीं दे रहा मैं, ना ही गुरु बनना है, जाते जाते सुनते जाओ समाचार थोड़ा राजनीति का। घोड़े की टांग को तोड़े, सोने की खान को तोड़े, छोटे मकान से बड़े मकान में जाके आराम से सो रहे वो, खाके आराम की रो रहे, काजू बादाम से हो रहे वो, थोड़े सामान को ज्यादा के दाम में बुरे परेशान की हो रहे। कभी कभी ऐसा लगे हमें चलो इस पार्टी को वोट दे, पर हाल